नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और आज एनकाउंटर ठीक उसी जगह से हो रहा है जो दिल्ली का आदर्श नगर है, वो आदर्श नगर जहां रहने वाले राहुल राजपूत, जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जो परिवार का सहारा थे, उनकी पीट पीट कर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने प्यार करने के पहले ये सोचा नहीं था कि वो प्यार, वो दोस्ती किससे कर रहे हैं, क्या वो उनके ही मजहब की थी। दरअसल इस धार्मिक कट्टरता ने न सिर्फ एक बेटे की जान ली है बल्कि हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश भी की है। और आज हम इस कट्टरता के खिलाफ ही सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल जिसे शायद सुनने का सियासतदानों के पास वक्त भी नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सियासतदान लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जो मारने वाले लोग हैं वो एक खास समुदाय के ना होते तो शायद आज वो यहां पर कैंडल लाइट निकालते हुए मार्च करते हुए नजर आते। यहां देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल जो लगातार दावा करते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, जब एक पर्स चोरी होता है तो उसे पकड़ने में, चोर को पकड़ने में कुछ घंटों का वक्त लगता है, लेकिन यहां एक युवक की जान चली गई है और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जी हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ी गवाही है, वो गवाही जो दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है। हर एक हकीकत आपको बताएंगे, जो तमाम मेहमान एनकाउंटर में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो अहम गवाही हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस मामले में सब कुछ साफ करके रख देगी। देखिए वो गवाही। आप सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं उसमें साथ में राहुल है, वो क्या चीज है पूरा बताएं। वो सीसीटीवी वो राहुल के गले के बाहर का है, उसको जब चोट लगती है तो मैं उसको बचा के डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। नेक्स्ट गली में एक क्लिनिक होता है, वहाँ दवाई नहीं देता उसे कोई भी, और मैंने सुने पांच पकड़े गए, पांच क्यों पकड़े गए, आठ थे जब वो तीन लोग कौन है? मुझे नाम नहीं पता, एक का लुक पता है, मैंने लुक बताया उन्हें, फिर भी वो नहीं पकड़ रहे। उस दिन मैं उसका नाम लिया लेकिन मुझे याद नहीं, उस दिन बार बार उसका नाम कह रहा है, एक जगह बता दिया कहाँ पे रहता है, फिर क्यों नहीं पकड़ा गया वो अब तक। अच्छा तो आपको अपने परिवार से क्यों खतरा है, क्या बोल रहे हैं आपके परिवार वाले? मुझे कुछ कुछ नहीं बोला, बस मुझे एसएचओ ने कहा था मेरे फैमिली ने मुझे मारने की धमकी दी है, देख रहे मार देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मारे काटे मुझे राहुल। अब आपने सुना पांच नहीं बल्कि आठ लोग थे, तो बाकी तीन लोगों को क्यों अब तक नहीं पकड़ा जा सका है? ये आपको बता दूं कि जी हिंदुस्तान ने कुछ देर पहले जब इस मामले में एसएचओ साहब से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई है, उसमें जो लोग दिख रहे हैं उनको पकड़ लिया, क्योंकि ये दावा सिर्फ इस लड़की का नहीं है बल्कि ये दावा परिवार वालों का भी है जो लगातार कह रहा है कि आठ लोग थे और इनको पकड़ना चाहिए। बहरहाल एनकाउंटर में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले तारुफ आपका करा दूं हमारे मेहमानों से। आरपी सिंह साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इस मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीबुर रहमान साहब जो कि एडवोकेट हैं, वो आज तमाम पक्ष रखेंगे। एलन राव साहब जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुजीबुर रहमान साहब, इस मामले को आप क्या कहेंगे, ये मॉब लिंचिंग का मामला है, कट्टरता का मामला है, धार्मिक या फिर कोई और? ये किसी भी चीज का मामला नहीं है, पहले मैं आपको बात बता दूं, ये एक क्राइम है, किसी का मर्डर करना क्राइम है, और जो इस तरीके के क्राइम करे, जो मर्डर के क्राइम करे, आज हालात हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं कि कोई भी किसी को पकड़ के मार देता है, किसी का भी बलात्कार कर देता है, अपराधी सरेआम घूमे फिर रहे हैं, तो जो एक माहौल अराजकता का बन गया उसके सोच सुन लीजिए, समझ आपके अंदर अभी नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद मैं यही करूंगा कि ये सोच ये समझ आपको तब भी नजर आए जब ट्रेन में सीट की लड़ाई के लिए किसी को मार दिया जाता है, तब आप कहते हैं कि यहाँ पर अकलियत की वजह से उसको खामियाजा उठाना पड़ रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब नाम पूछ के अगर मारा जाए, जब पूछा जाए कि उसका धर्म इस्लाम है, उसकी मॉब लिंचिंग की जाए, जब गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जाए, तो हम यही बात कहेंगे किसी जिस भी आरोप लगेगा ना साहब, जब मरने वाले मुस्लिम है तब आपको लग रहा है कि सिर्फ सिर्फ एक अपराध है, मरने वाला मुस्लिम होता तब आप कहते नाम पूछ कर मारा गया ना। आप सुन, बिल्कुल जो वक्त आज अपराधियों को हाथरस में क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि वो जो है अपर कास्ट से है, जो पीड़िता है वो दलित है, जो चीज है वही बताई जाएगी ना, जो चीज नहीं है उसको हमारा काम नहीं है बताना। ऐसा करेंगे साहब, काला कोट उतार कर फेंक दीजिए, कानून पर भरोसा नहीं है तो इस काले कोट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, तो इस काले कोट का क्या मतलब है? आप ही फैसला सुना दीजिए ना। सच्चाई पे कानून तो सच की बात करता है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बंद कर दीजिए ना अपनी दुकान को, आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए अगर आपको भरोसा नहीं है। उसी कानून ने बताया कि अखलाक के घर क्या था, उसी कानून ने बताया कि मुंबई में सीट की लड़ाई को जबरदस्ती धर्म का नाम दिया गया, उस पर तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है। जबरदस्ती धर्म का, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग जबरदस्ती नाम दे रहे हैं उसको आप मत कीजिए, जो फैक्ट है सच्चाई है उसको तो देखिए ना। हाथरस वाले मामले में आप देखिए किस तरीके से हुआ, उसके अलावा जुनेद वाले मामले में देखिए किस तरीके से हुआ, पहलू खान के मामले में देखिए किस तरीके से हुआ, तो जो चीज है वो बताई जाएगी ना। आदर्श नगर का मामला, इस घर को आप देख रहे हैं, यहाँ माथा पसरा हुआ है और इस पर आप लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, शर्म आनी चाहिए सर आपको। हरियाणा में इस तरीके के बहुत मामले होते हैं, हरियाणा एक मामले को, उत्तर प्रदेश इसी तरीके से आप पहुँचाएंगे। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।